अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं सुबह आया हुआ हूँ ऊपर और अपने रैबिट के साथ खेल रहा था और मुझे आपको एक चीज़ दिखानी थी जो कि इसमें है। यह है एक रैबिट बेबी। आय हाय आय हाय, यहाँ आओ भाई, ये देखें आप, ये प्योर वाइट है, बिल्कुल फुल वाइट ही वाइट है। ये बहुत ही प्यारा है, ये देखें आप। सही से नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूँ, ये देखें आप, यहाँ रख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा है। ये इसी का बच्चा है, इसकी माँ है। ये कहाँ जा रही हो यार, उसके अंदर मत जाओ, वो खा जाएगी। ये रोई खा जाती है ये। तो अभी हमें से दूध भी पिलाना है, मैं तो देखना मैं पिलाता हूँ, चलो। ये देखें, ये दूध पी रहा है बच्चा अभी, और इसकी माँ ऐसे खिला रही है थोड़ा थोड़ा। ओए यार क्या कर रही हो, गिर पड़ेगा वो, पी लेने दो से। तो ये तो दूध पी लेगा, ये आराम से पी रहा है। ये देखें आप लोग, ये देखें, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अरे अरे अरे, चलो ये तो पी लेगा दूध। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे रैबिट को भी, अभी मैं कुछ खाना डालना है तो मैं अभी पत्ते लेने जाऊँगा शॉप पर, और जब तक हम इनको खोल देते हैं। आओ भाई, ये देखें, ये हमने बनाया है एक क्यारी। इसमें हम जो वैसा होता है ना वेस्ट फूड, जो कि गंदगी हो जाती है ना, अगर ये हम पूरे में डाल लेते हैं तो हम अभी इसी में डाला करेंगे ताकि पूरी हर जगह गंदगी ना हो और इसमें से खाते भी रहें। और यहाँ देखें, यहाँ हमने बनाया है ये बंद वाला, ताकि अब सर्दियाँ आ गई हैं ना तो इनको सर्दी ना लगे, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ने लगी है अब, इसलिए इनका तो वैसे अगर पूरा गेट होता ना तो पूरे से हवा जाती है, लेकिन अभी थोड़ा सा है ना तो ये अंदर रात को सो जाते हैं अच्छी तरह। ये देखें, मेरे मम्मी काटता नहीं है, ये बहुत ही अच्छे हैं। और ए, 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 बच्चे को तो मैंने देखा ही नहीं। ये देखें, अभी भी दूध पी रहा है, दिख ही नहीं रहा यार, अंदर ही घुस गया है वो तो दूध पीने के लिए। इसे पीने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा और आप बताना कि आपको हमारा रैबिट बेबी कैसा लगा। इसने काफ़ी सारे बच्चे दिए थे, इसने 5 बच्चे दिए थे, लेकिन एक भी नहीं बच, मतलब सिर्फ एक ही बच पाया है, बाकी सब इन खरगोशों ने सबको घायल कर दिया था, तो सारे मर गए थे। ये भी घायल था, लेकिन इसे अल्लाह के करम से ये बच गया। और इसकी माँ भी इसकी केयर नहीं कर रही थी तो मैंने इसे अलग रख लिया था इसमें, और मैं टाइम टू टाइम इसे आकर दूध पिला देता हूँ और इसे फिर रख देता हूँ वापस। और ओरे ये आ गया हमारा बच्चा। वैसे मैं इसे कोई गत्ता वगैरह रख लेता हूँ, बॉक्स वगैरह, उस पर दूध पिलाता हूँ, लेकिन आज मैं इस टेबल पर पिला रहा हूँ ना, तो इसके गिरने का डर है थोड़ा, कि अगर ये गिर गया ना तो डैमेज हो सकता है थोड़ा ये। और ये देखें हमारा वो वाला खरगोश कितना प्यारा हो गया है, ब्लैक एंड वाइट वहाँ खेल रहा है जो। मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि खरगोश की बेबी जब मर गए थे ना तो मुझे बहुत ही दुख हो गया था, लेकिन तो मैंने ये सोचा था जब ये बेबी हमारा बड़ा हो जाएगा ना हम तभी वीडियो बनाएंगे, जब ये ऐसा हो जाएगा कि जिसका इंशाल्लाह ज़िंदगी आ जाएगी इसमें। ये देखें, इसने इतना ज़्यादा दूध पी लिया है यार, इसका देखें आप पेट, देखें इसका कितना फैल गया है, इसका पेट कितना मोटा हो गया है। ये सब हमें जल्द से जल्द रखना पड़ेगा। चलो भाई, ये देखें मैंने इसमें रख दिया, अभी इसमें बैठा रहेगा, मैं इस पर थोड़ी रोई भी डाल देता हूँ, उसे बंद कर देते हैं। अच्छा पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, इसकी अभी आंखें नहीं खुली हैं, इसकी आंखें इंशाल्लाह कल तक तो खुली जाएंगी इंशाल्लाह। ये देखें कितना प्यारा है ये, इसने अब दूध पी लिया है ना तो अब ये वो क्या बोलते, अब ये ज़्यादा झटपटा नहीं रहा है, एकदम शांत हो गया है ये। ये देखें आप बताएं कि आपको हमारा ये वाला रैबिट बेबी कैसा लगा। और अब तो इंशाल्लाह हमारी ये बड़ी हो गई है तो ये हर महीने या 2 महीने में बच्चे दिया करेगी, तो हम अब मुझे पता भी चल गया है कि क्या क्या करना होता है, तो मैं इंशाल्लाह अब हमारे बच्चे नहीं मरा करेंगे। तो मैं इसे रख देता हूँ और आप बताएं कि आपको हमारा बेबी कैसा लगा। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, तैयार रही था आज के वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप बताएं कि आपको हमारा रैबिट बेबी कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।